आज हमारी आंखें बार बार इसलिए भर रही कि माता जानकी जी की परीक्षा के लिए कितना परेशान नहीं किया होगा लोगों। धन्य रे भारत, इस भारत में सत्य को भी प्रमाण देने की आवश्यकता है, पर बाहरे कलयुग के राजा हनुमान जी डंका ठोक कर मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और आज रायपुर में इतिहास लिख गया, इतिहास में कभी किताब उठाई जाएगी तो एक बात कही जाएगी कि भारत के इतिहास में एक ऐसा दरबार लगा था कि जब पूरे देश की मीडिया जहां बैठी थी और उनके मुंह पर तमाचा मार दिया था। सच बताएं, आज तो हम पूरी रात सोए नहीं, पूरी रात नहीं सोए। सुबह 3:30 बजे हमारी लड़ाई हो गई गुरुजी से, बाहर के लोगों से नहीं, सन्यासी बाबा से। ये हमने घटना बताई भी नहीं किसी। 3:30-4 बजे जब सब बच्चे चले गए, सब नॉर्मल था, लेकिन लड़ाई इस बात पे हो गई कि गुरुदेव जब हम सच हैं तो हमारी बार बार परीक्षा हम पर उंगली क्यों उठाई जाती। साढ़े 5 बजे को सोते हुए जगाया गुरुजी ने सपने में और कहा हाथ फेर कर सिर पर, तू रोया मत कर, इतना ज्यादा टेंशन मत लिया कर, जा तू जहां भी जाएगा झंडा गाड़ कर आएगा, जा। तो बस पर हमारी टेंशन शून्य हो गई। हमें पता था कि आज पूरे भारत की मीडिया आएगी और एक भी कमी हो जाएगी लाखों, हमें अपना भय नहीं है, कोई हमें मार ले गाली दे दे हमें भय नहीं, हमें अपने सनातन धर्म का भय है। कोई संतों को बुरा ना कहे, हम पाखंडी हैं लेकिन हमारे बालाजी नहीं, हमारा सनातन पाखंडी नहीं है, हमारे सनातन के संतों में ताकत है, ताकत तपस्या में ताकत है। और आज के बाद तो हमने प्रण लिया हम कभी किसी को अपनी परीक्षा नहीं देंगे। कितनी बार परीक्षा दे, कितनी बार। बागेश्वर धाम पर भी आधी हकीकत आधा फसाना आया, उन्होंने भी खूब परेशान किया, परीक्षा ली, हमें कोई दिक्कत नहीं, जो नॉर्मली है हम वो तो बोलते ही, हम हमेशा बोलते हम ईश्वर नहीं है, हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, हमारे ऊपर तो बालाजी की कृपा है, लेकिन कृपा ऐसी है कि जो कह दिया जाता वो कटता नहीं है। कितने ही बार सत्य को परेशान करोगे, कितनी बार सांच को कसौटी पर कसोगे, आखिर कब तक। हमने किसी को बुलाया नहीं, हमने किसी से प्रमाण पत्र नहीं मांगा, हमने कभी किसी से रुपया नहीं मांगा, ना हमारी कोई ऐसी मन की भावना है, हमारी भावना सनातन है। और आज तो हमें दरबार का पूरा होश भी नहीं, वो तो बाद में जब हमें बताया तब हमें याद आता है कल तक हमारे सब बच्चे परेशान थे, सब बच्चों के मन में ये था कि गुरुजी अपने ऊपर दाग लग गया कि हम महाराष्ट्र से आ गए, हम चुनौतियों से डर गए, हम विज्ञान के सामने फेल हो गए, लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा था। हमारा इष्ट कलयुग के राजा हनुमान जी फेल नहीं होते हैं। और आखिरकार रायपुर के इतिहास में सत्य की जीत हुई। और हम आज प्रार्थना करें, कोई सफाई नहीं है, हमें कुछ ऐसा भी मन में फील नहीं है कि हमने बता दिया और आज हमारी जीत हो गई। हमें बस ये फील है कि जो संत टीवी डिबेट पर हमारे लिए बोलते थे, जो हिंदू सनातनी हमारे लिए बिना हमारे सामने पुरजोर समर्थन करते थे, आज उनकी जीत हो गई। जो हमारे लिए लड़ जाते थे, आज उनकी जीत हो गई।
विज्ञान के युग में हुई। अब किसी बंद कमरे में नहीं, लगभग कितने लाख लोग होंगे आज हैं? 4 लाख तो कम से कम होंगे, बंद कमरे में नहीं, 4 लाख लोगों के सामने। खैर छोड़ो, जो बीत गया सो बीती ताही विसार दे। अब आगे की बात यही है, आज के बाद कोई कहेगा कि सनातन पाखंड है, आज के बाद कोई कहेगा कि संत पाखंडी है, हम उनकी ठठरी मार देंगे। लेकिन जानकी नाथ सहाय कौन बिगाड़े काम में, राम सहाय तो कौन बिगाड़ सकता है। खूब जियो साधु मौज में। और चैलेंज देने वालों को भी हमारा कहना है, आज के बाद तो अब आप बोलोगे नहीं। दूसरी बात, हम अंधविश्वास के खिलाफ और आपके सपोर्ट में है, हमें बहुत ज्यादा सफाई नहीं देना है, हमें अपना सनातन का काम करना है बस। अब आज के बाद कोई कुछ भी बोले।